दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राज्य स्तरीय माँ शूलिनी मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार को नगर निगम सोलन की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। मेयर पूनम ग्रोवर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मेले के सुचारू संचालन को लेकर विचार विमर्श कर कई समितियों का गठन भी किया गया। निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 50 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त फैसला लिया गया कि मेले में अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और पानी सहित बिजली की व्यवस्था को अन्य विभागों की सहायता से दुरुस्त रखा जाएगा। पूरा अरेंज किया गया है, इसके लिए हमने जो है मेले के लिए विशेष तौर पे जो है 50 इम्प्लाइज और एक्स्ट्रा रखे हैं ताकि सफाई व्यवस्था प्रॉपर ढंग से हो सके और शहर एक सुंदर बन सके, और इसके लिए पूरी तैयारियाँ जो है की गई हैं। और तीसरा हमारे पास जो है, जो जहाँ ओल्ड बस स्टैंड पे माँ शूलिनी के मत्था टेकने के लिए लोगों के लिए जो है वहाँ पे डोले का इंतजाम किया जाता है, तो वहाँ बैरिकेड्स वगैरह भी है जो नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं, तो उसकी भी पूरी तैयारी की गई है और ऑर्डर दिए गए हैं और इसमें टेक्निकल स्टाफ को जो है ऑर्डर किए गए हैं। मेले के दौरान इसमें जो टैप जारी का भी हमारे एरिया मुताबिक फिक्स किया गया है कि उनको जो है रेट एरिया के मुताबिक, हमने कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई है कि लोकेशन के मुताबिक एरिया सबको एक बराबर बांटा जाएगा, उसी मुताबिक उनके रेट किए जाएंगे और हमारे इम्प्लाइज जो है नगर निगम की रसीद वगैरह वहाँ काटेंगे, तो उसमें पूरी व्यवस्था देखी जाएगी कि आने जाने लोगों को भी कोई असुविधा ना हो और प्रॉपर जो है वो एरिया जो जैसे जो मेंशन किया गया है उसी एरिया में बैठे, अगर वो एक्स्ट्रा एरिया लगाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अरेंजमेंट किया जाता है जो ठोडो ग्राउंड की हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निगम की होती है, जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, हमारे यहाँ स्टॉल लगते हैं उसकी भी जो है हम स्टॉल बना के देते हैं, उसकी फिर ओपन ऑक्शन होगी, इसमें झूले जो है ऑनलाइन टेंडर लगाया जाएगा, उसकी भी प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी गई है, और पूरे शहर में जल व्यवस्था 3 दिन के लिए प्रॉपर रहेगी और लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो लोग, मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, कहीं अगर नलका खुला है तो उसको प्रॉपर जो भी देखता है उसको बंद करें, पानी की वेस्टेज बिल्कुल ना करें, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ भंडारे लगेंगे सबको पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जगह जगह पे जैसे पहले हमारी जो भी हमारी जिम्मेवारी रहती है उसी जिम्मेवारी को हम जो है रूटीन में रखेंगे। पूजा व्यवस्था जो मेले का शुभारंभ होता है वो माँ शूलिनी के वहाँ से पूजा अर्चना होती है, उसके साथ साथ ही हमारा निगम का यहाँ स्टेज पूजन होता है, उसमें स्टेज पूजन में डीसी मैडम को आमंत्रित किया जाता है और इसके साथ एसपी साहब को और हमारे जो लोकल विधायक हैं सभी पार्षद हैं, तो सबको वहाँ प्रेस के लोग भी इनवाइट है, तो वहाँ मेले की जो पूजन किया स्टेज पूजन किया जाएगा, उसके उपरांत फिर शूलिनी मंदिर हम लोग सारे जाएंगे, तो वहाँ से शोभा यात्रा के साथ जो है मेले का शुभारंभ होगा। इसके साथ बिजली की लाइट की जो भी व्यवस्था है वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के साथ नगर निगम मिलके काम करेगा, क्योंकि ये मेला सबका है, हम प्रशासन निगम और इलेक्ट्रिसिटी पीडब्ल्यूडी सभी डिपार्टमेंटों ने मिलजुल कर काम कर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपने पन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।